मनीष जायसवाल यही नहीं रुके, उन्होंने प्रशासन के आदेश को तालिबानी फरमान करार दे दिया और मामले को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को निशाने पर लिया, जहां उन्होंने इरफान अंसारी को बांग्लादेशी बताते हुए कहा कि वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। तो वहीं उनके आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि क्या रामनवमी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए है? इरफान अंसारी हिंदुस्तानी है, ना कि बांग्लादेश। इसके साथ ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहती है। हेलो माननीय मंत्री जी, ये इस तरह की बातें सदन में करके सदन का समय तो बर्बाद करते ही हैं, और ये इनका मूल उद्देश्य इसके पीछे रहता है भावना को भड़काना। आज ये कह रहे हैं कि 5 लोग बैठे हुए हैं धरना पर, अमरन अनशन पर। मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि वो राम भक्त नहीं है, और ये राष्ट्र के नागरिकता के को भी ये लोग चुनौती दे रहे हैं। ये भाजपा के कार्यकर्ता है, आप दावे के साथ जांच करा लीजिए। अगर ये भाजपा कार्यकर्ता नहीं होंगे तो मैं कहता हूं कि इसमें अगर सच्चाई नहीं होगी तो मनीष जायसवाल की बात को हम लोग मानेंगे। लेकिन ये बीच में जो टोका टोकी का आदत है अध्यक्ष महोदय, एक तो ये वो अपने समय के अंदर बोल रहे हैं, आप भी अपने समय के अंदर में बोलेंगे, आप अपने समय के अंदर बातों को रखेंगे। उनका समय अध्यक्ष महोदय, ये बांग्लादेश से आते हैं और तालिबानियों के समर्थक भी हैं अध्यक्ष महोदय। अभी जो तालिबानी फरमान आया है उसको बचाने का भरसक प्रयास ये कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो कहीं ये तालिबानी तो नहीं है अध्यक्ष महोदय? इनसे आपको जानकारी लेनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। बोल दीजिए, क्या इस राज्य में, इस देश में मुसलमान होना गुनाह है क्या? हाँ, किस तरह समाज को लेकर के जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय? ये बताएं क्या कर रहे हैं? क्या रामनवमी हम लोग का त्योहार जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है वो दूसरे धर्म को नीचे दिखाने के लिए? क्या अगर इरफान अंसारी भारतीय हैं कि बांग्लादेशी या तालिबानी हैं? ये क्या कर रहे हैं ये लोग अध्यक्ष महोदय? हर साल कहीं ना कहीं रामनवमी में डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम सरकार करती है। हिंदुओं का महान आस्था का पर्व, सबसे बड़ा पर्व महारामनवमी, और इसमें लगातार राज्य सरकार के द्वारा व्यवधान लाना कहीं ना कहीं अधिकारियों पर जो दोषात्मक है, सरकार पछना चाहती, सरकार पछ नहीं सकती है। ये हिंदू समाज की आस्था का बात है और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने का छूट सरकार को नहीं दी जाएगी। सभी त्यौहार को बराबर से दृष्टि से देखना है ताकि किसी पर का भेदभाव नहीं हो। और जहाँ तक हजारीबाग का बात है, अपना जिला प्रशासन लगा हुआ है कैसे शांति से रामनवमी शांति से पूरा हो, ये सरकार भी इसमें गंभीर है और जिला प्रशासन भी अपना हिसाब से। देखिए, हम लोग धार्मिक रंग नहीं देते हैं, हम कोशिश करते हैं सभी को लेकर के चलने का, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार हर तरह से जन समुदाय को बांटने की काम करती है। जब हर बार रामनवमी जुलूस निकलता है तो इस बार ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? रामनवमी जो है वो श्रद्धा का त्यौहार है। भगवान हनुमान राम भक्त थे, तो इनको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, इनको दंगा से मतलब है, डीजे से मतलब है। मैंने कहा है आज भी कि आइए आप डीजे लेके आ जाइए विधानसभा में, हम घुसवा देते हैं, देख जी से बात करेंगे, सर डीजे ही भिजवा दीजिए, आप विधानसभा को प्रश्नकाल छोड़ करके आप डीजे कॉल कीजिए, आइए हम लोग डांस करेंगे वहीं पर। हिंदू के हित से हम लोग हैं, इरफान अंसारी है, कहीं भी आप बता दीजिएगा, आप आंकड़ा दिखा लीजिए, हिंदू भाई पर कोई जुर्म होता है इरफान अंसारी आगे आता है। इनको देखिए, इनको हिंदू से कोई लेना देना नहीं।